ओके, वेलकम बैक। माई सेल्फ अनिल प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। नाउ टुडे इट्स अ वीडियो लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम यूनिट 2। तो नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन कनेक्शन, दैट्स अ रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शंस। देन आफ्टर we also discuss about the failure of the bolted joints and then some specification about the bolted joints. So now first we start here now. Depending upon the types of bolt, ordinary or high strength bolts, the load transfer from one connected part to another may be by shear and bearing or by frictions. ठीक है, तो चूंकि देखिए load transfer mechanism को समझना हमारे लिए बहुत important है, क्योंकि लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है कि जैसे किस प्रकार से लोड जो है रिवेटेड बोल्टेड कनेक्शंस की मैं अगर बात कर रहा हूं, तो लोड किस प्रकार से एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफर हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द बोल्ट, ठीक है, ऑर्डनरी बोल्ट लें या हाई स्ट्रेंथ बोल्ट लें। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑर्डनरी बोल्ट को हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे ब्लैक बोल्ट भी बोलते हैं, उसके अलावा हम उसको हम ऑर्डनरी बोल्ट्स भी हमने आपको बताया था। तो और ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डनरी बोल्ट्स एंड हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स, चाहे वो कार्बन कंटेंट की पॉइंट व्यू से बात कर लें या फिर स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि द लोड ट्रांसफर फ्रॉम वन कनेक्टेड पार्ट टू द अनदर मे बी बाई शेयर और एंड बेयरिंग और बाय फ्रिक्शंस। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच जो लोड ट्रांसफर होता है वह किसके थ्रू होता है, बाय या तो शेयरिंग के थ्रू होता है, या तो ड्यू टू द शेयरिंग ट्रांसफर हो रहा है, या बेयरिंग, या बेयरिंग की वजह से ट्रांसफर हो रहा है, या बाय फ्रिक्शंस। ये कोई भी रीजंस हो सकते हैं लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में। ठीक है, तो हम लोग इस सभी को समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, ओके, वन थिंग और मोर, द कनेक्शन मेड विथ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स में हाउ एवर बी स्लिप रेजिस्टेंस और बेयरिंग टाइप्स। ठीक है, तो देखिए वेन एवर वेन द लोड एक्सीड द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देयर विल बी स्लिपेज एंड कंसिक्वेंटली द बोल्ट विल बी प्लेसड इन शेयर एंड बेयरिंग एंड विल बी हैव लाइक बेयरिंग टाइप्स ज्वाइंट्स। Slip resistance connections is the most expensive. However, these have the advantage in building construction. ठीक है, देखिए इसमें जो है कि हम अभी आपको ये explain करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से load transfer हो रहा है, और just one minute, I will just select the pointer here now. तो load transfer mechanism में हम समझेंगे किस प्रकार से load transfer हो रहा है एक part से दूसरे part पे, और किस प्रकार से members जो हैं उनके बीच शेयरिंग फोर्सेस या बेयरिंग फोर्सेस किस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यहां पे देखिए लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में कि फिगर नंबर 1 देखिएगा, इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा। डबल बोल्टेड सॉरी डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट ज्वाइंट है यहाँ पर, डबल कवर। ठीक है, तो देखिए ये एक ऊपर वाले पार्ट में कवर लगा है और ये नीचे वाले कवर लगा है, दो कवर लगा है और सिंगल बोल्टेड है। ठीक है, सिंगल बोल्टेड, हमने आपको बताया था कि ये जो एक्सिस होती है, ये जो सेंटर लाइन है, ठीक है, ये सेंटर लाइन का मतलब क्या है कि ये मेंबर नंबर 1 और ये दूसरा वाला मेंबर है 2, दो मेंबर जो है फेस टू फेस कनेक्टेड है। ठीक है, आमने सामने कनेक्टेड है, और एक एक कवर ऊपर लगा दिया गया है, एक कवर नीचे लगा दिया गया है, और फिर हमने वहां पे बोल्टिंग कर दिए। इसको बोलते हैं डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट ज्वाइंट। ओके, तो डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट ज्वाइंट में जो मेंबर्स के बीच जो है आप देखेंगे जो फेल होने की पॉसिबिलिटी है वो कहां पर बन रही है। देखिए ये प्लेन दिख रहा है आपको जो हमने रेड से मार्किंग किया है, और ये दूसरा प्लेन है। ठीक है, यहां पर देखिए
यहाँ पे जो है लोड सबसे ज्यादा आएगा जब मेंबर फेल करेगा। ठीक उसी प्रकार फिगर नंबर टू देखिए, यहां पे हमने डबल कवर डबल बोल्ट लगाया है। देखिए मेंबर तो दो ही है, एक मेंबर ये और दूसरा मेंबर ये, ठीक है। और यहां पर जो है एक कवर प्लेट ऊपर लगी हुई है और दूसरी कवर प्लेट नीचे लगी हुई है, दो कवर प्लेट लगी हुई है। तो हम इसको क्या नाम दिया है, डबल कवर, क्योंकि दो कवर लगा हुआ है डबल बोल्टेड। अब हम एक्स एक्सिस के दोनों तरफ देखेंगे, ये हमारी एक्सिस है, सेंटर लाइन एक्सिस है, इसके दोनों तरफ देखेंगे। आप लेफ्ट लीजिए, ये सपोज दैट हमने लेफ्ट दिया और इसको हमने राइट साइड बोला। तो अगर आप इसके लेफ्ट देखिए या राइट देखिए, दोनों ही कंडीशंस में जो बोल्ट हैं उनकी रो कितनी है, दो रो में लगे हुए हैं, एक रो ये, एक रो में चार बोल्ट है, दूसरे रो में चार बोल्ट है। तो इसको हम नाम देंगे डबल कवर डबल बोल्टेड बट ज्वाइंट, ठीक है, ओके। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो इसका आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो है बोल्ट में, देखिए अब सपोज दैट अगर हम इस फिगर से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो बोल्ट हमारा ये हमने यहाँ पे लगाया है, देखिएगा जरा ध्यान से, तो जब ये बोल्ट फेल होगा, सॉरी सॉरी तो देखिए जब ये बोल्ट फेल होगा तो क्या होगा कि इस बोल्ट को हमने यहां पे रिप्लेस किया है, यहां पर देखिएगा इस बोल्ट को हमने उठा करके यहां पर रिप्लेस कर दिया। तो जब ये बोल्ट फेल होगा तो यहां पे देखिए पी फोर्स लग रहा है, यहां पे पी फोर्स लग रहा है, यहां पे भी पी फोर्स लग रहा है, यहां पे भी पी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहां पे इस फिगर को अभी आप कंसीडर कर सकते हैं, इन दोनों फिगर को आप ऊपर वाले को लें या नीचे वाले को लो, इन दोनों ही कंडीशंस में जब मेंबर पे टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, पी का टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, तो इस वाले जो जहां से ये एक दूसरे के बीच में कनेक्शन है वहां पे क्या होगा, स्लिपिंग एक्शन होने लगेगा, ठीक है। और इस स्लिपिंग एक्शन की वजह से यहाँ पर जो है मेंबर्स जो है फेल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी देखिए, अगर हमने डबल कवर लगा दिया तो डबल कवर लगाया है तो क्या हो रहा है, देखिए किसी एक बोल्ट्स को आप कंसीडर करिए और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमने यहां से इसको कट किया ऊपर वाले पार्ट को और यहां से कट किया नीचे वाले पार्ट को। ध्यान दीजिएगा, एक बार हमने ऊपर वाले पार्ट को अलग कर दिया, फिर दूसरे में नीचे वाले पार्ट को, और दोनों का फिगर अलग अलग प्लॉट कर दिया। एक का फिगर हमने ये प्लॉट किया, दूसरे का फिगर ये प्लॉट किया, और जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको यहां पर लिया है, ठीक है ना। देखिए तो इस पर जो है लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो पी बाई टू, इसके ऊपर कह रहा हूं पी बाई टू फोर्स लगेंगे और ये पी को बैलेंस करेंगे, और ऊपर वाले पार्ट पे फिर पी बाई टू जो है फोर्सेस लग रहे होंगे, फिर यहां पर देखिए पी बाई टू लग रहा होगा। तो खैर इसकी अभी हमें बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी ये इनिशियल लेवल पे है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे हमारे अगले वीडियोज में कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हम इसको कैसे जो है सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी साउंड्स की प्रॉब्लम ना हो, नॉइस की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो है सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बंद करने पड़ते हैं। तो द बोल्ट विल बी इन सिंगल शेयर एंड बेरिंग एंड बोल्ट इन डबल शेयर एंड बेरिंग, ये दोनों एग्जांपल्स हमने आपको दिखा दिए यहां पर। अब हम बात करते हैं फेल्योर ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट्स, किसी भी बोल्टेड ज्वाइंट्स में कितने प्रकार से फेल्योर हो सकता है, ठीक है। तो बोल्टेड ज्वाइंट्स में फेल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिक्स वे, बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, बट कुछ कॉमन है जिसको हम ज्यादा कंसीडर करते हैं, जैसे शेयर फेल्योर है, बेरिंग फेल्योर है, टेंशन फेल्योर है, ब्लॉक शेयर फेल्योर है, तो अलग अलग है, सभी को डिस्कस करेंगे हम, बट कुछ की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, ठीक है।
कभी कभी फेल्योर ऑफ द बोल्ट्स में कुछ पार्ट जो है फेल होता है, कभी कभी मेंबर्स भी फेल हो जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर वन, दैट्स कॉल्ड शेयर फेल्योर ऑफ बोल्ट। शेयर स्ट्रेसेस आर जनरेटेड व्हेन द प्लेट स्लिप्स ड्यू टू अप्लाइड फोर्सेस। ओके, द मैक्सिमम फैक्टर्ड शेयर फोर्स इन द बोल्ट में एक्सीड द नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, हेंस शेयर फेल्योर ऑफ द बोल्ट टेक प्लेस एट द बोल्ट शेयर प्लेन। द बोल्ट में फेल इन सिंगल शेयर और डबल शेयर एज शोन इन फिगर नंबर 5.8। तो 5.8 में देखिए, 5.8 ए में देखिए, यहां पर शेयर फेल्योर हो रहा है, सिंगल शेयर फेल्योर और डबल शेयर फेल्योर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक कि फेल्योर ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स में शेयर फेल्योर कैसे हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे आप इस फिगर को आप देख रहे हैं, इस फिगर में यहां पे देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे सिंगल शेयर की पॉसिबिलिटी बनेगी। क्यों सिंगल शेयर की पॉसिबिलिटी बनेगी? क्योंकि मेंबर जो हैं वो दो ही मेंबर हैं, जब मेंबर दो होंगे तो सिंगल शेयर होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे दो ही मेंबर हैं, एक ऊपर है और दूसरा नीचे है, और ज्वाइंट कौन सा है? लैप ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है और तीसरा मेंबर ये है। मेंबर हमारे पास तीन हो गए, तीन मेंबर होंगे तो डबल शेयर हो जाएगा। ये भी आप जान लीजिए कि डबल शेयर कैसे हो गया, देखिए अभी एक तो यहां पर शेयरिंग फोर्सेस आ जाएंगे, दूसरे यहां पर शेयर काम करने लगेगा, तो ये हमारा डबल शेयर की कंडीशंस आ गई। ठीक है, तो हम अभी सिंगल शेयर और डबल शेयर दोनों के बारे में देखें कि कैसे कैसे वहां पे सिंगल शेयर में क्या हो रहा है कि दो ही मेंबर्स हैं, और डबल शेयर में क्या है, मेंबर जो है हमारे पास तीन मेंबर्स हो गए। ठीक है ना, डबल शेयर में मेंबर्स कितने हो गए? तीन मेंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, शेयर स्ट्रेसेस आर जनरेटेड व्हेन द प्लेट स्लिप ड्यू टू अप्लाइड फोर्सेस। शेयर स्ट्रेसेस कब जनरेट होंगी मेंबर्स के अंदर? जब जो है प्लेट जो है स्लिप होगा ड्यू टू अप्लाइड फोर्सेस, अप्लाइड फोर्सेस की वजह से वहां पे स्लिपिंग होगा। फिगर हम दिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लगाया, सपोज करिए यहाँ पे पी का अप्लाइड फोर्स लगाया और यहाँ पर भी पी का अप्लाइड फोर्स लगाया, तो जैसे ही इस मेंबर्स के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगेगा तो वहां पे क्या होगा, स्लिपिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्लिपिंग की वजह से शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। ड्यू टू शेयर फोर्सेस शेयर स्ट्रेसेस आर जनरेटेड। ठीक है, तो द मैक्सिमम फैक्टर शेयर फोर्स इन द बोल्ट में एक्सीड द नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। अब देखिए, मैक्सिमम फैक्टर शेयर फोर्स इन द बोल्ट में एक्सीड द नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, तो जब ऐसी कंडीशंस आएगी कि जो हमारी बोल्ट की जो शेयर कैपेसिटी होती है, एक लिमिट तक हमारी उसकी शेयर लेने की कैपेसिटी होती है, जो हम अगर वहां पर शेयर फोर्सेस ज्यादा हो जाएगा उस बोल्ट की कैपेसिटी से, तो शेयर फेल्योर की कंडीशन जो है जनरेट होगी। ठीक है ना, तो ये जो शेयर फेल्योर की भी जब भी कंडीशन जनरेट होती है तो वो इंटरफेस के बीच जनरेट होती है, जो उनके बीच एक प्रकार से दो मेंबर्स के बीच जो इंटरफेयर्स होता है वहां पे जो है होता है, वो शेयर सिंगल हो या डबल हो वो डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही फिगर आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई दिक्कत मालूम दे तो आप हमसे इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी जो फिगर्स है हम अभी नेक्स्ट पीपीटी में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब देखिए, बोल्ट इन शेयर क्या होता है? जब बोल्ट इन शेयर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कब होती है कि द लोड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द बोल्ट एक्सिस एज शोन इन फिगर। इन दिस सिचुएशन द प्रिंसिपल फोर्स इज द बोल्ट इज शेयर। अब क्या हो रहा है देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पी फोर्स लग रहा है और यहां भी पी फोर्स लग रहा है, ये फोर्सेस जो है हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, और जो हमारा बोल्ट का एक्सिस है वो क्या है हमारा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वो वाई एक्सिस है। तो
तो बोल्ट की एक्सिस जो है हमारी वाई एक्सिस है, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है बोल्ट एक्सिस के। इस कंडीशन में जो जो फेल्योर होगा वो हमेशा शेयर फेल्योर होगा बोल्ट के अंदर। अगर यही है, अगर पैरेलल होता तो जो फेल्योर होता वो टेंशन फेल्योर होगा, वो भी हमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है, वन बाय वन। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, बट कोई बात नहीं। ओके, इस पे इस स्लाइड्स पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे अभी, बट अब देखिए बेरिंग फेल्यूर ऑफ बोल्ट्स। द बोल्ट इज क्रश्ड अराउंड हाफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, बोल्ट क्या होता है हाफ सर्कमफ्रेंस से क्रश्ड हो जाता है। अब बेरिंग फेल्यूर ऑफ बोल्ट एंड बेरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट्स, बेरिंग फेल्यूर, शेयरिंग फेल्यूर के बाद हम डिस्कस करेंगे बेरिंग फेल्यूर की। बेरिंग फेल्यूर काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा मतलब देखा गया है, शेयरिंग फेल्यूर, बेरिंग फेल्यूर। जैसे हमने बोला कि टोटल सिक्स टाइप्स के फेल्यूर हैं, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे शेयरिंग फेल्यूर, बेरिंग फेल्यूर, और उसके अलावा आपका टेंशन फेल्यूर, दैट्स कॉल्ड टेयरिंग फेल्यूर, एंड देन आफ्टर ब्लॉक शेयर फेल्यूर। तो कुछ फेल्यूर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिंग फेल्यूर की बात करें तो इसमें क्या होता है, द बोल्ट इज क्रश्ड अराउंड हाफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, आधे सर्कमफ्रेंस से क्या होता है बोल्ट जो है क्रश्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये क्रशिंग अगर हम हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स को यूज कर रहे हैं तो वहां पे कम होगा, लेकिन नॉर्मली जो ऑर्डिनरी बोल्ट्स यूज होते हैं उसमें क्रशिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, या वाइब्रेशंस जब मेंबर्स के अंदर आते हैं तो बेरिंग फेल्योर की पॉसिबिलिटीज आपको ज्यादा दिखाई देगी। द प्लेट्स मे बी स्ट्रांग इन बेरिंग एंड द हैवीएस्ट स्ट्रेस्ड प्लेट मे बी प्रेस द बोल्ट शैंक्स। तो जब चूंकि प्लेट्स जो होता है वो बेरिंग में काफी स्ट्रांग होता है और वो क्या करता है कि बोल्ट को शैंक को प्रेस कर देता है, ठीक है, जो शैंक वाला पार्ट होता है, जो शैंक क्या होता है आपको हम बता दें एक बार फिर से, ये देखिए ये हमारा शैंक वाला पार्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट है बोल्ट का टॉप पार्ट, और फिर यहां पर हम इसको, ये नीचे वाला पार्ट है नट वाला, ये देखिए ये टॉप है, तो ये हमारा शैंक वाला पार्ट है। तो जब हमारा जब भी बेरिंग प्लेट्स जो होगी, ठीक है ना, प्लेट क्या होती है बेरिंग में काफी स्ट्रांग होती है और वो जो है बोल्ट्स को शैंक वाले पार्ट को प्रेस कर देती है, जिसके वजह से इस प्रकार के फेल्योर होते हैं। बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट जनरली डज नॉट अकर इन प्रैक्टिस एक्सेप्ट व्हेन प्लेट्स आर मेड ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड द बोल्ट्स आर ऑफ लो ग्रेड स्टील, ठीक है ना। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी था जो भी हमने डिस्कस किया। अब इसका फिगर भी हम आपको दिखाएंगे, 5.8 बी जो है, ये देखिए ये फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रशिंग एक्शन होता है, ठीक है, बोल्ट के अंदर क्रशिंग एक्शन हो रहा है बोल्ट के अंदर, और कभी कभी प्लेट्स के अंदर भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो मेंबर्स मजबूत स्ट्रांग होगा उसके अंदर क्रशिंग की पॉसिबिलिटी, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्या होता है कि प्लेट्स जो होती हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं। तो ये वेरिएबल है, ठीक है। अब बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स, एक बार हम बोल्ट की बात करेंगे, दूसरे बार हम प्लेट्स की बात करेंगे। तो बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स की जब बात करेंगे, व्हेन एन ऑर्डिनरी बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स द स्लिप टेक प्लेस एंड बोल्ट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेट्स, ठीक है। तो जब भी ऑर्डिनरी बोल्ट्स के ऊपर शियर फोर्स लग रहा होता है तो वहां पे क्या होता है स्लिप्स हो जाते हैं, ठीक है, मेंबर्स के अंदर, और जैसे ही स्लिप्स होंगे स्लिप्स की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, तो बोल्ट जो होगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा किसके, प्लेट के, ठीक है, और द प्लेट्स में गेट्स क्रश्ड, और प्लेट क्या होगी वहां पे क्रश्ड हो जाएगी। इफ द प्लेट मटेरियल इज वीकर देन द बोल्ट मटेरियल, ठीक है, फिर वहां पे कंडीशन जनरेट हो गई कि अब कौन सा स्ट्रांग है, बोल्ट स्ट्रांग है कि प्लेट स्ट्रांग है, और प्लेट अगर वीक है तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी फेल होने की, दैट्स कॉल्ड अ बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स। तो उसको हम बोलते हैं बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स बोलते हैं। ओके,
नाउ अब हम बात करेंगे टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट्स की। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंशन फेल्योर। पहले हम यहां भी आपको दिखा दें, ये हमारा टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट्स है और टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट्स की बात करें तो सबसे पहले हमने शेयर फेल्योर डिस्कस किया, फिर बेयरिंग फेल्योर एंड देन आफ्टर टेयरिंग फेल्योर। टेयरिंग फेल्योर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पी फोर्स लग रहा है हमारा मेंबर्स के ऊपर और यहां पर भी पी फोर्स लग रहा है मेंबर्स के ऊपर। अब ये फोर्स की डायरेक्शन जो है और ये जो बोल्ट एक्सिस है हमारा उसकी डायरेक्शन जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, ठीक है। और हम अवॉइड करते हैं कि इस प्रकार का कनेक्शन जो है प्रोवाइड ना किया जाए मेंबर्स के अंदर। तो देखिए हमने ऊपर मेंशन भी किया, लेस फ्रीक्वेंटली द बोल्ट्स आर प्लेस्ड सच दैट देयर एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एज शोन इन फिगर। हियर द बोल्ट्स बोल्ट द प्रिंसिपल फोर्स इन द बोल्ट इज द टेंसाइल फोर्स। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब भी हम इस प्रकार के कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, जब भी इस प्रकार का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो जो प्रिंसिपल फोर्स होता है मेंबर्स के अंदर वह क्या होता है हमारा, जो प्रिंसिपल फोर्स है मेंबर्स के अंदर वो हमारा है क्या है, जो प्रिंसिपल फोर्स है वो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। जो प्रिंसिपल फोर्स मेंबर्स के अंदर होगा वो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा, और जब टेंसाइल फोर्स प्रिंसिपल फोर्स होगा इस कंडीशंस में तो इस प्रकार के फेल्योर को टेंशन फेल्योर हम बोलते हैं। तो अभी हम आपको यहां दिखा दें टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट्स। बोल्ट सब्जेक्टेड टू टेंशन में फेल एट द स्ट्रेस एरिया। सबसे ऊपर वाली लाइन ध्यान दीजिएगा कि बोल्ट सब्जेक्टेड टू टेंशन में फेल एट द स्ट्रेस एरिया इन केस इफ एनी ऑफ द कनेक्टिंग प्लेट्स इज सफिशियंटली फ्लेक्सिबल एडिशनल प्राइंग फोर्सेज इंड्यूस्ड इन द बोल्ट्स मस्ट आल्सो बी कंसीडर। ओके, टेयरिंग फेल्योर अकर व्हेन द बोल्ट्स आर स्ट्रॉन्गर देन द प्लेट्स। तो टेयरिंग फेल्योर कब हो रहा है कि जब बोल्ट्स आर स्ट्रॉन्गर देन द प्लेट्स। टेंशन ऑन बोथ द ग्रॉस एरिया एंड नेट इफेक्टिव एरिया मस्ट बी कंसीडर। द टेंशन फेल्योर ऑफ ए प्लेट is in rupture is shown in figure number 5.8 D में जो है आप देखिए टेंशन फेल्योर दिखाया गया है यहाँ पे, ये फिगर देखिए टेंशन फेल्योर ऑफ द प्लेट्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से दिखाई देगा टेंशन फेल्योर, बट हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टेंशन फेल्योर जो है उसकी जनरेट होने की कंडीशंस क्या है कि जब पी फोर्सेस दोनों डायरेक्शंस में लग रहा होगा और हमारा जो बोल्ट्स प्रोवाइड किए हैं उसकी एक्सिस हमारे फोर्सेस की एक्सिस के पैरेलल होगा तो इस कंडीशंस में जो है टेंशन फेल्योर की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करेंगे टेंशन फेल्योर के बाद ब्लॉक शेयर फेल्योर की, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक शेयर फेल्योर। तो ब्लॉक शेयर फेल्योर में जैसे इसका नाम ही है ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या है कि ये इस कंडीशंस में जो फेल्योर होता है वो पूरे एक ब्लॉक के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो इसका फिगर भी हम आपको दिखाएंगे ब्लॉक शेयर फेल्योर का। ओके, ये देखिए ये हमारा फिगर है ब्लॉक शेयर फेल्योर का, ये फिगर, ठीक है। तो ब्लॉक शेयर फेल्योर क्यों हो रहा है उसको समझिए। जैसे ये चार बोल्ट लगे हुए हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और ये नंबर फोर, यहाँ पे चार बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही इसके ऊपर हम ये एक मेंबर है, दूसरा मेंबर ये है और एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय यूजिंग दिस बोल्ट्स, ठीक है। तो ब्लॉक शेयर फेल्योर में ये पूरा एक ब्लॉक, ठीक है ना, ये यहाँ से क्रश होकर के बाहर आ जाता है, ये देखिए, ठीक है, पूरा जो ब्लॉक है वो क्रश होकर बाहर हमारा आ जाएगा। अब कैसे हो रहा है ये मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं। चलिए
bolts may have been placed at a lesser in distance than required, causing the place to shear out, which however can be checked by observing the specification for in distance. तो क्या होता है जब हम bolts को design करते हैं, ठीक है, in the design process of the bolts कितने number of bolts लगा रहे हैं, तो उसमें edge distance, ठीक है, edge distance बहुत important होता है, in distance बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम एज पर IS कोड जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर इस प्रकार के जब हम स्पेसिफिकेशन को जब भी हम फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ बोल्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं कि जो रिक्वायर्ड होने चाहिए उससे कम हो जाते हैं, ठीक है, उनकी तो जब रिक्वायरमेंट से हम कम बोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो है जब टेंसाइल फोर्स उतनी जो जितनी टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करना था मेंबर को उतनी टेंसाइल फोर्स को वो मेंबर्स वो कनेक्शंस जो है वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा और इस कंडीशंस में जो है ब्लॉक शेयर फेल्यूर का जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है. द फेल्यूर ऑफ द कनेक्शन इन ब्लॉक शेयर एज शोन इन फिगर मे अकर व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मटेरियल विद इन द बोल्टेड एरिया ब्रेक अवे फ्रॉम द रिमाइंडर एरिया. द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इंक्रीजेज व्हेन हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स आर यूज्ड, फीवर बोल्ट्स विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग कनेक्शंस. तो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स में इस प्रकार की पॉसिबिलिटी जो है ऑटोमेटिकली जो है काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है. तो इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना होगा कि ब्लॉक शेयर फेल्यूर्स काफी इंपॉर्टेंट है. नंबर 4 पे हमने आपसे डिस्कस किया इस चीज को, ठीक है, और ये फिगर भी आप अच्छे से समझ लें कि देखिए कल हम अभी अपने वीडियोस में आपको बता रहे थे कि गजट प्लेट्स क्या होती है, कनेक्टिंग प्लेट्स जो हम यूज करते हैं कभी कभी नाम से कनेक्टिंग प्लेट्स. तो एक मेंबर्स को दूसरे मेंबर से कनेक्ट किए बाय यूजिंग विद द गजट प्लेट्स, ठीक है. तो जो जब हमारा ब्लॉक शेयर फेल्योर होगा तो उस कंडीशंस में पूरा का पूरा मेंबर, जैसे एक बोल्ट, दूसरा बोल्ट, तीसरा बोल्ट, चार बोल्ट, जो भी तीन चार बोल्ट लगे होते हैं वो पूरे के पूरे कनेक्शंस के साथ ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है. अब वो जहां पे भी फोर्सेस डिपेंड करेगा कि वो ब्लॉक जो फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे अगर दो से ज्यादा मेंबर कनेक्टेड है, तीन चार, तो फिर वो डिपेंड करता है कि किस तरफ से टेंसाइल फोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं और फिर उसके हिसाब से वो ब्रेक होगा, ठीक है. तो इस वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड इज स्पेसिफिकेशन ऑफ वोल्टेज ज्वाइंट्स. तो इसको भी हम देखेंगे, स्पेसिफिकेशन फॉर द बोल्टेड जॉइंट्स की बात करेंगे. पहली सबसे पहले है डायमीटर ऑफ बोल्ट्स. इन जनरल ए कनेक्शन विद ए फ्यू लार्ज डायमीटर बोल्ट कॉस्ट लेस देन वन ऑफ द सेम कैपेसिटी विद मेनी स्मॉलर डायमीटर बोल्ट्स. द फीवर द बोल्ट्स, द फीवर द नंबर ऑफ होल्स टू बी फॉर्मेड एंड द लेस इंस्टॉलेशन वर्क. द लार्ज डायमीटर बोल्ट्स आर पर्टिकुलरली फेवरेबल इन कनेक्शन विद वेयर शेयर गवर्न्स बिकॉज द बोल्ट कैपेसिटी इन शेयर वेरी एज स्क्वायर ऑफ द बोल्ट डायमीटर, ठीक है. तो देखिए डायमीटर ऑफ द बोल्ट की बात करें, स्पेसिंग ऑफ बोल्ट होल्स की बात करें, या फिर पिच की बात करें, ठीक है, मिनिमम पिच क्या है या मैक्सिमम पिच क्या है, इन सभी चीजों में हमको एक IS कोड के स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है. तो इस टॉपिक्स में हम आपको पहले सबसे पहले जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है IS कोड की तरफ से वो आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जैसे पिच है, एज डिस्टेंस है, या फिर डायमीटर ऑफ बोल्ट्स है कि किस 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 डायमीटर का बोल्ट हमको कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है. तो थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले हम लोग कि इन डिस्टेंस क्या है. जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, ये हमारी एक बोल्ट लाइन है, ये एक बोल्ट लाइन है, ठीक है. तो जब दो मेंबर्स के बीच कनेक्शन होगा, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है,
ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं इन डिस्टेंस। ठीक है, पिच क्या है? पिच जो है हमारा वो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हमारी बोल्ट लाइन है और ये दूसरी बोल्ट लाइन है। ठीक है, तो इनके बीच सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, यानी कि एक बोल्ट के सेंटर लाइन से दूसरे बोल्ट के सेंटर लाइन के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, इन डिस्टेंस क्या है? इन डिस्टेंस हम कॉर्नर वाली डिस्टेंस को लेते हैं, कि मतलब हम किनारे से कितनी दूरी पे छोड़ करके बोल्ट को इंसर्ट करें। ठीक है, इन डिस्टेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने इन डिस्टेंस को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं रखा, अगर ज्यादा रख दिया तो भी प्रॉब्लम है, कम रख दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से ही डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिकेशन फॉर बोल्टेड ज्वाइंट्स क्या है। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको हम दोबारा हम यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे कि पिच, एज डिस्टेंस, इन डिस्टेंस, इन सभी चीजों पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।